नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को आतंकवाद के प्रसार से वास्तविक खतरा। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए भारत और मिश्र ने इस बुराई से हर स्तर पर निपटने का शुक्रवार को संकल्प व्यक्त किया। मिश्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी के साथ विस्तृत बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बढ़ते कट्टरवाद, हिंसा और आतंकवाद का प्रसार दुनिया के अनेक हिस्सों में एक बड़ा खतरा बन चुका है। मोदी ने अल सिसी को मिश्र की नई संसद में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए बधाई दी। मोदी ने मिश्र में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को पूरा समर्थन देने की बात कही। सिद्धू ने बनाई नई पार्टी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह भी साथ। भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को झटका देते हुए आवाज पंजाब नाम से एक नया दल का गठन कर लिया है। बताया जाता है कि सिद्धू की नई पार्टी में अकाली दल छोड़कर आए पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह भी होंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सिद्धू ने नए दल का गठन कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा, यदि संदीप गलत तो नेहरू और गांधी भी गलत। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने अश्लील सीट विवाद में फंसे दिल्ली सरकार के पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार का बचाव करते हुए कहा कि संदीप ने कुछ भी गलत नहीं किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी सामाजिक और नैतिक दायरे से बाहर जाकर दूसरी महिलाओं से रिश्ते रहे हैं। आशुतोष ने अपने ब्लॉग में लिखा है, यदि संदीप ने किसी अन्य महिला के साथ उसकी रजामंदी से संबंध बनाए हैं तो इसमें गलत क्या है। कश्मीर के कई हिस्सों में फिर लगा कर्फ्यू, 56वें दिन भी जनजीवन ठप। जुमे की नमाज से पहले एहतियात के तौर पर श्रीनगर समेत कश्मीर के कई हिस्सों में शुक्रवार को एक बार फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। घाटी में जनजीवन लगातार 56वें दिन ठप रहा। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पूरे श्रीनगर जिले और घाटी के कुछ अन्य शहरों में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन अन्य शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है उनमें अनंतनाग, पुलवामा, कुलगांव, शोपियां, बारामूला और पट्टन शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा, सदन में हाथापाई। सरकारी हिंगोनिया गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ। के बाद सुरक्षा कर्मियों ने विपक्षी सदस्यों को उठाकर सदन से निकाला और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई भी हुई। पूरे हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। हंगामे और हाथापाई के बीच अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने सदन की बैठक एक घंटे के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के कारण प्रश्नकाल ठीक से नहीं चल सका। अध्यक्ष ने कहा कि सबको बाहर निकालो, सदन में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। ये तब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।